हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी रानी के बारे में जिसकी मौत की गुत्थी आज तक सुलझ ही नहीं पाई। वैसे तो इतिहास में ऐसी कई रानियां हैं जो अपने साहस और पराक्रम के लिए जानी गई है, लेकिन ये रानी जानी गई है अपनी खूबसूरती और कुशल राजनीति के लिए, जिसे आज मरने के बाद भी याद किया जाता है। ये रानी जितनी खूबसूरत थी उतनी चालाक और क्रूर भी थी। हम बात करेंगे मिस्र पर राज करने वाली क्लियोपेट्रा की। क्लियोपेट्रा ने अपनी खूबसूरती को ढाल बना लिया था, इसके चलते कई पुरुषों के साथ उसके अनैतिक संबंध थे। क्लियोपेट्रा ने बहुत छोटी सी उम्र में राजगद्दी संभाल ली थी। जब वो 29 साल की हुई तब उनकी मौत हो गई थी, लेकिन कैसे, चलिए जानते हैं। वैसे तो क्लियोपेट्रा फराओ वंश की एक आखिरी शासक थी। कुछ लोग मानते हैं कि वो मेसोडेनिया से थी और कुछ कहते हैं वो अफ्रीका से थी। इसका कोई पुख्ता सबूत आज तक सामने नहीं आया कि वो उसकी माँ कहाँ की थी। क्लियोपेट्रा ने 51 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक मिस्र पर राज किया। ऐसे तो क्लियोपेट्रा के कई पुरुषों के साथ संबंध थे, उसमें से एक थे रोम के राजा जूलियस सीजर, जिसने कई सारे देशों के साथ युद्ध करके उसी राज्य की सत्ता क्लियोपेट्रा को दे दी। लेकिन जब सीजर की मौत हुई तब उनके बेटे गाइस ऑक्टेवियन ने राजगद्दी संभाल ली। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि क्लियोपेट्रा ने ही जूलियस सीजर की हत्या करवाई थी। इसके चलते वो ऑक्टेवियस से अपनी जान बचाने के लिए उसके साथ संबंध बनाना चाहती थी, लेकिन ऑक्टेवियन उसकी चाल समझ गया और उसे बंदी बनाने के लिए उसके महल पहुंच गया। वैसे तो कहा जाता है जब ऑक्टेवियन अपनी सेना के साथ क्लियोपेट्रा के महल जा रहे थे उसको बंदी बनाने के लिए, उससे पहले ही उसके पास एक संदेश आता है। उस संदेश में लिखा था कि क्लियोपेट्रा आत्महत्या कर रही है, और वो पहुँचे उससे पहले ही क्लियोपेट्रा ने एक सांप से खुद को डसवा कर आत्महत्या कर ली। लेकिन ये बात आज तक साबित ही नहीं हुई, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि उसकी मौत एक मादक पदार्थ के सेवन से हुई, तो कुछ लोग बताते हैं कि ऑक्टेवियन ने ही उनकी हत्या कर दी थी। आज तक किसी को पता ही नहीं चल पाया कि क्लियोपेट्रा की मौत कैसे हुई, वो हत्या थी कि आत्महत्या, वो आज तक किसी को नहीं पता चल पाया। तो दोस्तों, ये थी क्लियोपेट्रा के मौत की कहानी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।